हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड आप लोगों का 6 जुलाई से प्रारंभ है, उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, और इस बार 6 लाख से अधिक आवेदन पड़े हैं यूपी बीएड करने के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। तो उसका जो एग्जामिनेशंस है वो 6 जुलाई का है, और बहुत बच्चों का कमेंट ये आ रहा है कि ये बता दीजिए कि कला वर्ग में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किन सब्जेक्ट में फोकस करना है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि यूपी बीएड में 4 सेक्शन में आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका एक स्ट्रीम भी आता है, जिस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उसी स्ट्रीम से 50 क्वेश्चन पूछते हैं। दरअसल उसमें सिलेबस में ये तो दिया हुआ है कि आपका कला वर्ग से आएगा, लेकिन कला वर्ग के अंदर भी कभी कभी कुछ अलग से पूछते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि अगर 2 साल का मैं पेपर उठा के देखता हूँ, प्रीवियस पेपर आप लोग भी अगर देखते हैं, आपको ओरिजिनल वाला मिलता है, ठीक है, जो बुक्स में रहता है उसमें काफ़ी बुक्स वाले जो होते हैं ओरिजिनल नहीं छाप पाते हैं। अगर जो ओरिजिनल आपके पास है, अगर आप उसको एनालाइज करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि आपका कला वर्ग में, स्पेशली बता रहा हूँ आपको, कि उसमें संस्कृत के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और सिलेबस में ये नहीं दिया गया संस्कृत के क्वेश्चन आएंगे, क्लियर है। तो 10 क्वेश्चन संस्कृत के पूछता है, ठीक है, उसी में कुछ 2-4 क्वेश्चन आपके इंग्लिश का भी आ जाता है, कला वर्ग में आता है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स भी आ जाता है, सिंपल आता है, प्रॉफिट सरलीकरण इन टाइप पे, ठीक है, डेसिमल, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, उसको आप कर ले जाएंगे अगर आपको बेसिक स्ट्रांग है मैथमेटिक्स का 10th तक। तो मैथ भी आता है, इंग्लिश के भी 2-4 क्वेश्चन उसमें पूछ लेता है, ठीक है, जैसे कि वर्ड मीनिंग पूछ लेगा, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, और संस्कृत भी आता है, ठीक है। और अगर आप लोग माइंडसेट तैयार करके जाएंगे, तो वहाँ पर जब पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आप कहेंगे किसी ने तो बताया नहीं मुझे कि भाई संस्कृत भी आता है इसमें, तो ऑब्वियसली इसमें संस्कृत पूछ लेता है करीब 10 क्वेश्चन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपका ये है कला वर्ग में, कि पॉलिटी से क्वेश्चन भर के आता है, पॉलिटी से और हिस्ट्री से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, उसके बाद आपका जियोग्राफी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और इकोनॉमिक्स से भी आता है, और आपका इन्वायरमेंट से आता है। तो इतने सारे सिलेबस को मिला के 50 क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि हाँ 50 में से मैं 40 से 45 क्वेश्चन कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें ना सबसे ज़्यादा कम जो मार्क्स गेन करते हैं बच्चे, वो है कि अपने स्ट्रीम में ही, ठीक है, खासकर जैसे कि कला वर्ग में बात करें, तो कला वर्ग में मुश्किल से आप 35 या 40 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है आउट ऑफ 50 में से। बाकी वही चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि आपको हिंदी बहुत स्ट्रांग करना है, क्योंकि सिलेबस उसका डिफाइन है, और हिंदी तो आप इजीली 50 में से 45 पे बच्चे करके आते हैं, तो हिंदी अच्छे से कीजिए, जीएस जो है वो भी उसको भी कीजिए, उसमें करंट अफेयर भी 5 क्वेश्चन आएगा, और साथ में आपका रीजनिंग स्ट्रांग करते हैं। इन तीन अगर आप सब्जेक्ट को तैयार करते हो, तो जब कला वर्ग है ना, इसको आप थोड़ा सा साइड भी कर देते हैं, कम भी फोकस करते हैं, तब भी आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। और अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए, तो आपको अभी से और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपके पास मुश्किल से 27-28 डेज बचे हुए हैं। बाकी अगर आपको प्राइवेट से करना है, तो डोंट वरी, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 50-100 मार्क्स भी लाते हैं ना, तो ईजिली आपको एडमिशन मिल जाता है कॉलेज में, ठीक है, उसके लिए मारामारी नहीं होता है, ईजिली आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको प्राइवेट से करना है, तो प्राइवेट से करेंगे तो आपका स्कॉलरशिप भी आ जाता है। स्कॉलरशिप अगर जनरल के बताऊँ तो मैं, 55% अगर आपका ग्रेजुएशन में है, तो स्कॉलरशिप भी आ रहा है, ठीक है, तो स्कॉलरशिप आ जाएगा, तो आपका जो एडमिशन मतलब बीएड रहेगा वो फ्री में हो जाएगा। और स्कॉलरशिप नहीं भी आता है, तब भी आप इजीली कर पाओगे। अगर बिहार की हम अपेक्षा बात करें, बिहार में जो बीएड है ना, बहुत महंगा है, एटलीस्ट 2-2.5 लाख रुपए लग जाते हैं बिहार में बीएड करने के लिए, और यूपी में बहुत ज़्यादा। अगर आपको लगता भी प्राइवेट से भी आप करते हो, तब भी आपके मैक्स टू मैक्स अगर लगता है तो 90,000 लगता है, तो बिहार से तो ठीक ही है, ठीक है, और स्कॉलरशिप मिल जाता है तो वेल एंड गुड हो जाता है। तो कला वर्ग में जो मैंने सब्जेक्ट बताया है, उसको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं भी आपको करवा दूंगा, चाहे वो कला वर्ग होगा, चाहे वो आपका साइंस स्ट्रीम से होगा, मैं इन दोनों को आपको करवा दूंगा, ठीक है। कॉमर्स और एग्रीकल्चर से मैं नहीं करवा पाऊंगा, जो चीज़ नहीं करवा पाऊंगा वो चीज़ मैं आपको फैक्ट्स बता दे रहा हूँ, ठीक है। एंड वीडियो सही लगा हो तो फिर चैनल से जुड़िए, और कुछ पूछना होगा किसी सब्जेक्ट का, आपका लगता है कि कोई टॉपिक आपको चाहिए पढ़ना है डेप्थ में, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो फ्यूचर में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।